मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं ऐसा अद्भुत जगह जहां शायद ही कोई अभी तक गया है, और अभी पता चला हम लोग को कि एक अद्भुत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, जहां भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से कुछ लिखे हुए हैं। एक पत्थर है जहां हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ इधर देखिए पूरे भाई लोग हमारे, तो ये सारे लोग हैं। तो हम लोग सोचे आज चलते हैं, देखते हैं क्या ऐसा जगह है वहाँ पे जहाँ भगवान स्वयं अपने हाथों से कुछ लिखे हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या ऐसा है, क्या ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। अब जाएंगे तो पता चलेगा। हम लोग इससे पहले तो हम लोग कभी गए नहीं है, तो पहली बार हमारा जाना हो रहा है वहाँ पर। तो मैं ये जो हमारे हैं जीजा जी एक, तो ये देखे हुए हैं शायद एक बार। तो हम लोग सोचे इनको लेके चलते हैं वहाँ, दिखाएंगे रास्ता, हम लोग पता नहीं है। तो हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं, घर से करीब हमारे घर से जो भी है 20-25 किलोमीटर दूर में ये जगह है, जो हम लोग आज तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए हैं। और वहाँ बहुत ही अच्छा जगह है बोल रहे हैं। तो हम लोग लगा कि आप लोगों को भी एक बार दिखाते हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोग भी एक बार देख पाएँ। तो हम लोग सोचे कि चलते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल सब निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या ऐसा ख़ास चीज़ है, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जा रहे हैं सीधे वहीं पर। वहाँ पहुँचने के बाद आपको सारा चीज़ दिखाएँगे, बताएँगे क्या है, कैसा है, वहाँ जानकारी लेकर आप लोगों को दिखाएँगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। इस हम लोग अभी जो जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता हम लोग पकड़ चुके हैं। तो गाइस हम लोग उस गांव तो पहुँच चुके हैं जहाँ ये स्थान है, लेकिन रास्ता हम लोग सोचे थे गाड़ी हमारा कार वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हम लोग को गाड़ी आधा दूर में छोड़ना पड़ेगा और हम लोग को चलना है। ये देखिए रास्ता, यही है रास्ता गाइस, इसमें पत्थर होते हुए हम लोग को जाना पड़ेगा, वो आगे उधर जाना पड़ेगा और जंगल की ओर जाना पड़ेगा। हम लोग सोचे गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। तो आप लोग कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा इस वीडियो के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सीधे, आप लोगों को आगे लेते चलेंगे, देखते हैं। और ये देखिए रास्ता, और राहुल पता नहीं क्या कर रहा है वो देखो। तो हम लोग अभी सीधे इसी में जाएँगे, तो आप लोगों को चलिए दिखाते चलते हैं। तो गाइस वो जगह का नाम अभी हम लोग को पता चला है, उस जगह का नाम है लीखा पखना। लीखा पखना के नाम से उस जगह को जानते हैं लोग। तो इससे पहले तो कोई आया नहीं है, हम ही लोग जा रहे हैं। अब देखते हैं, लीखा पखना के नाम से जानते हैं उस जगह को, लीखा पखना नाम रखा गया उस जगह का नाम। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या है, कैसा है उस जगह को, आप लोग को भी दिखाएंगे। चलिए आप ही लोग के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जंगल का रास्ता है, चलिए आप लोग को दिखाते चलते हैं। हम लोग अभी पैदल चलना पड़ेगा कुछ दूर, हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा, क्या कि गाड़ी हम लोग खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं रास्ते में। गाइस देखिए ये रास्ता है, जाने का रास्ता है। ये देखिए इधर जंगल भी है थोड़ा, और हम लोग सीधे इसी में जा रहे हैं क्योंकि रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कार आ ही नहीं सकता है दोस्त हमारा। तो हम लोग सोचे पैदल चलते हैं, पैदल चलेंगे। अभी देखते हैं कहाँ पे ये मंदिर है, और जंगल का रास्ता भी है। तो हम लोग सोचे तो पैदल चलते हैं, धीरे धीरे पैदल चलेंगे, वहाँ तक पहुँचना है हम लोग को, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। तो रास्ता यही है, यहाँ रास्ता भी नहीं बनाया गया है क्योंकि बहुत कम ही लोग आते हैं यहाँ तक। बहुतों को तो पता भी नहीं है कि ये मंदिर कहाँ पे है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसलिए। तो देखिए ये है नज़ारा इधर का, जंगल है, लोग भी दिख नहीं रहे, हम ही लोग हैं जितने लोग हैं बस, और कोई आना जाना करता नहीं इस रास्ते में। और रास्ता भी उस टाइप से बना नहीं है अच्छा कि लोग आना जाना कर पाएँ। इधर गाड़ी वाड़ी कोई आता नहीं है, ना बाइक आता है ना कार आता है, बस लोग पैदल ही आते जाते होंगे शायद। रास्ते से तो पता चल रहा है हम लोग को कोई नहीं आता है इधर। और देखते हैं हल्का जंगल भी इधर शायद, आगे देखते हैं और क्या, और भी जंगल मत हो तो सब तरफ। ये देख लीजिए ये है नज़ारा इधर का। अब देखते हैं, चलिए चलते हैं, राहुल लोग सारे लकी लोग सब आगे पैदल। तो गाइस काफ़ी दूर हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, क्योंकि सारी तरफ जंगल ही है देखिए। तो आगे आगे हम लोग जा रहे हैं, तो मैं पीछे पीछे मैं हूँ क्योंकि रास्ता यहाँ का सही नहीं है गाइस, रास्ता उटपटांग है और रास्ते यहाँ नहीं बनाया गया। अपने तरफ से जिधर बन रहा है उधर से हम लोग रास्ता बना के जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने दूर में है मंदिर, शायद बहुत ही कम लोग जाते आते होंगे शायद, मेरे को लग रहा है वहाँ पे। अब देखते हैं, अब ये देखिए रास्ता, ये रास्ता अब किधर से जाना है, कैसे जाना है हम लोग को पता नहीं है।
बस वो एक जीजा हमारे वो देखे हुए, वो अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं, आगे आगे वो लोग वो हैं, हम लोग पीछे पीछे हैं। हैं हाँ, तो देखते हैं। रुको भाई, मेरे को भी रुको। अब ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, डर भी लग रहा है भाई, जंगल है, कहीं हाथी हाथी ना आ जाए। इधर हाथी हाथी तो नहीं आता है ना जीजा? नहीं आता है ना? और कितना दूर में? अच्छा वही है। अरे गाइस, लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं। वो जो ऊपर दिख रहा है वो देखिए, शायद वही है, लग तो रहा वही है, बता रहे हैं। अब देखते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दिख रहा है वो भी। अब चल चल के तो थक गए, काफ़ी दूर चल गए हम लोग। अब चलिए देखते हैं और कितना दूर वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, और देखिए ये देखिए, चारों तरफ घना टाइप से जंगल है, कोई आता जाता नहीं, कोई नहीं है, बस मंदिर है बस यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए रास्ता, ये हम लोग जंगल की ओर पहुँच चुके हैं। ये देखिए रास्ता, जंगल तो दिख ही रहा है। अब रास्ता पता नहीं किधर किधर से जाना है जीजा, सीधा? अच्छा, ये देखिए रास्ता छोटा सा बना हुआ सकरा। यार जंगल है यार, डर भी लगता है। और ये देखिए सब तरफ जंगल है, यहाँ तो जीव जंतु बहुत सारे होंगे। आना जाना लोग नहीं करते हैं क्या इधर? अच्छा बंद कर दिए हैं। तो ये देखिए आना जाना लोग करते भी नहीं है, बंद कर दिए हैं। शायद हम ही लोग आ रहे हैं, तो आप ही लोगों के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं गाइस। तो देखिए ये रहा तो जंगल, और ये हम लोग सीधे रास्ते में जा रहे हैं। रास्ता भी नहीं है, छोटा सा जो रास्ता दिख रहा है यही रास्ता में आना जाना होता है। तो सब तरफ सुनसान है, जंगल है, कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं ना, बहुत कम लोग आना जाना करते हैं। और ये देखिए पूरा चट्टान वट्टान, ये देखिए। और शायद हम लोग को वो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर चढ़ना पड़ेगा शायद हम लोग को। देखिए पूरा जंगल है सब तरफ। चलिए ऊपर पहुंचते हैं आप मंदिर के पास, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग उस मंदिर तक पहुंच चुके हैं अभी, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं उस मंदिर को। कहा जा रहा है गाइस, यहाँ हजारों साल पुराने ये मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम अपने हाथों से कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। तो अभी हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है और सुनसान एरिया है गाइस। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलिए आप लोग गाइस। ये देखिए ये शुरुआत मंदिर है गाइस, जंगलों के बीच में ये है एक। ये मंदिर शायद बनने वाला था लेकिन अधूरा रह गया, किसी कारण से नहीं बन पाया, और इतने ही में ही रह के छोड़ दिया गया है। तो ये पहला है गाइस, ये मंदिर है, और आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं। चलिए अभी तो ये शुरुआत है, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बीच जंगल के बीच में ये मंदिर है, यहाँ तक शायद ही कोई आता है और ना ही यहाँ कोई रहता है शायद। अब देखते हैं, हम ही लोग अभी आए हुए हैं, अब देखते हैं कौन कौन यहाँ रहते हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। और आगे भी है, एक मिनट रुको। तो गाइस ये देखिए भगवान भोलेनाथ का भी यहाँ शिवलिंग बना हुआ है, और ये देखिए। तो चलिए आप लोगों को और दिखाता हूँ, उधर रहने दो, रहने दो उसको। तो ये देखिए गाइस, अरे वाह, अंदर साइड भी है। तो गाइस ये देखिए, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये इसको कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से इसको लिखे हैं या बनाए हुए हैं, जो कभी नहीं मिटा ना मिटेगा। ये हजारों साल पुराना लिखा हुआ है गाइस, आज तक ये ऐसे ही का ऐसी है, कोई इसको नहीं मिटा पाया ना ही मिटा सकता है। ये स्वयं भगवान श्री राम अपने हाथों से इसको बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। और देखिए आप लोग, ये जो दिख रहा है दृश्य, जो लिखा हुआ है, ये जो कला है, ये स्वयं श्री राम भगवान अपने हाथों से लिखे हुए हैं, ये यहाँ का मान्यता है। और इसी को दिखाने के लिए आप लोग को हम लोग लेके आए हैं। और ये देखिए ऊपर का जो दृश्य दिख रहा है, ये भी भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं, ये यहाँ का मान्यता है। यही कहा जाता है कि भगवान अपने हाथों से ये बनाए हुए हैं। तो ये आप लोगों को दिखाने, ये देखिए यहाँ भी है, ये ना ही मिटता है ना कोई मिटा सकता है, भगवान अपने हाथों से लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ वो कभी मिटता नहीं है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर और कितना अद्भुत दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ को आपको दिखाने के लिए हम लोग इतना दूर आए हुए हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य गाइस, और ये देखिए ये
ये सारा यही है गाइस जो भी है। और आप लोगों को मेन दिखाना था कि भगवान श्री राम अपने हाथों से जो बनाए हुए हैं, इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए हम लोग आए हुए थे, जो हजारों साल, कई हजार साल पहले का ये लिखा हुआ है, जो आज तक नहीं मिटा, ना कोई मिटा सकता है। तो यही है गाइस जो भी है आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग इतना दूर आए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए जो है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये बना हुआ है गाइस, आज भी ऐसी का ऐसी है जो भगवान श्री राम अपने हाथों से बनाए हुए हैं। इसको कोई इंसान ना कोई व्यक्ति इसको बनाया नहीं है। आप लोग देख के सोच रहे होंगे किसी के हाथों द्वारा बनाया है, लेकिन ये गलत है गाइस, ये भगवान श्री राम अपने हाथों से स्वयं बनाए हुए हैं। इसको लिखा पखना कहा जाता है, ये जगह का नाम है लिखा पखना। शायद ही यहाँ तक कोई आता है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ भी फिलहाल कोई है नहीं, कोई पंडित नहीं है, ना कोई पूजा करने वाले, हम ही लोग हैं आए हुए, हमारे जो टीम आया हुआ है, हम लोग जो भाई लोग के साथ आए हुए हैं, उन्हीं लोग खाली हम लोग आए हैं। तो सोचे इसके बारे में, आज हम लोग को पता चला कि एक जगह ऐसा है, रहस्यमयी जगह, अद्भुत जगह, जहाँ श्री राम स्वयं अपने हाथों से कुछ चित्रकारी किए हैं, कुछ लिखे हुए हैं। तो हम लोग सोचे चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो यही जगह है दोस्तों। और इधर देखिए भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पे बना हुआ है, इसका भी पूजा करते हैं शायद। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और इधर देखिए फूल लगा हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ कोई नहीं आ पाता है, बहुत कम ही लोग आते हैं। और ये देखिए हमारे, और ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है ये मंदिर, शायद यहाँ निर्माण हो रहा था तो किसी कारणवश हो नहीं पाया, तो आज तक आज भी अधूरा है, ना इससे आगे कार्य हो रहा है ना शायद होगा। तो जो भी है यही है गाइस। तो आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग सोचे कि आप लोगों को भी दिखाया जाता है। हम लोग सोचे यहाँ इससे पहले हम लोग भी नहीं आए थे, ना देखे नहीं थे, कि बस सुनाई में आया था कि लिखा पखना नाम का एक जगह है जहाँ भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से कुछ कलाकारी किए, कुछ लिखे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, हम लोग भी देख लेंगे। तो यही है गाइस जो भी है, आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख सकते हैं। ये देखिए ये जो हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा है, यही है भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जो भी है, आप लोगों को दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, और इधर एरिया भी सुनसान है, जंगल है, काहे कि जंगल है तो कोई कौन आ सकता है, कोई आएगा ही नहीं। और जो भी है, पंडित जी भी यहाँ रहना चाहिए, पंडित जी भी है नहीं, और शायद यहाँ गुफा भी है गाइस। तो आप लोगों को गुफा को भी एक बार दिखाऊंगा। ये देखिए जो भी कलाकारी है, आप लोगों को सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, स्वयं भगवान। ये देखिए ऊपर जो है, इधर ऊपर जो दिख रहा है, लाल 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 जो दिख रहा है, वो भगवान श्री राम अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को और भी शायद गुफा भी है, तो उसको भी दिखाता हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ का जो भी है दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। गाइस उस जगह से थोड़ा सा साइड में एक और गुफा है कह रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देखते हैं गुफा। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखिए जंगल के बीचों बीच में गुफा है, मंदिर के थोड़े से बगल में गुफा है, तो शायद यहाँ भी कुछ अद्भुत दृश्य है देखने के लिए। कहाँ है गुफा? कौन सा? वही है। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, ये है एक गुफा, रहस्यमय गुफा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। शायद यहाँ किसी ज़माने में भगवान चाहे देवी देवता यहाँ तप करते होंगे, तो ये उनके लिए बना हुआ था। तो अरे ये देखिए गाइस, अंदर खोखला है, देखिए बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये गुफा है, ये शायद भगवान स्वयं अपने लिए तप के लिए यहाँ बनाए होंगे। तो बहुत ही सुंदर है गाइस, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों को सारा चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए गुफा जंगल के बीचों बीच में, कुछ ही दूर में मंदिर थोड़ा सा आगे में है, और उसके थोड़े से दूर ये रास्ता जो आया हुआ है, इसमें ये गुफा। ये देखिए, तो लक्की घुस के एक बार देख रहा है, तो शायद हो सकता है भगवान यहाँ स्वयं तप करते थे होंगे हजारों साल पहले। तो आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो भी नज़ारा है सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग सारे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों के लिए आए हैं गाइस वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों को जो भी यहाँ का रस्म चीज़ है, जो भी अद्भुत चीज़ है, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ है, सारी चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में गाइस। अरे एक जगह है, वहाँ हम लोग फिर से जा रहे हैं, चलिए उसी के। यहाँ बहुत सारा देखने की चीज़ है गाइस, बहुत सारा देखने को चीज़ है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए रास्ता भी नहीं है जंगल में, ये देखिए कितना कष्ट है। तो देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए फिर और एक जगह जा रहे हैं। कहाँ? ये देखिए
ये देखिए एक और एक मंदिर है, ये देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आए, अंदर है ना। बाबा वहीं पे सोता था यहाँ पे। अरे वाह, ये देखिए बहुत ही गजब। और ये देखिए एक मंदिर है, ये बाबा जी यहीं पे सोते थे शायद। ये अभी जो पूजा करते थे वो बाबा जी सोते थे क्या? अच्छा, ये देखिए अंदर का जो है बना हुआ है, कहते हैं कि बाबा जी यहीं पे सोते थे, जो पूजा यहाँ करते थे पुजारी बाबा वो यहीं पे सोते थे, उनका सोने का स्थान है ये। लेकिन अभी तो बाबा जी रहते नहीं हैं शायद, तो अभी कोई नहीं है गाइड करने के लिए, तो हम ही लोग खोज रहे हैं, घूम रहे इधर उधर, यहाँ पे पूरा अगल बगल देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या बना है, क्योंकि जंगल के बीच में गाइस पहली बार आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग कभी आए नहीं थे, तो हमने देखा नहीं है, तो हम लोग खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या बना हुआ है। तो देखते हैं बाबा का स्थान एक तो देख लिए हम लोग, तो आप लोगों को दिखाते जाते हैं आगे और क्या क्या बहुत यहाँ अद्भुत और रहस्यमय चीज़ यहाँ बना हुआ है, क्योंकि हज़ार साल पहले का ये बना हुआ, कई हज़ार साल पहले का ये बना हुआ अद्भुत चीज़ है। अरे देखिए छोटा सा गुफा नुमा कोई जगह है यहाँ पे, और ये बहुत आगे तक है, अंदर तक देखिए, वो देखिए उधर अंदर तक। तो ये कई हज़ार साल पहले भगवान श्री राम द्वारा ये स्थापित ये जगह है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से ये यहाँ जो चित्रकारिता किया है, जो लिखे हुए हैं, वो आज तक वैसे का वैसे ही है, और कई हज़ार साल बाद भी वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए सारा नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जंगल के बीचों बीच में ये है, और यहाँ सुनसान है, कोई आना जाना कोई करता ही नहीं है। हम ही लोग काफ़ी दूर से पैदल चल के आए हैं, आप लोगों ने देखा। तो चलिए आप लोगों को और भी दिखाते हैं, और भी कुछ हम लोग को देखने को मिल सकता है। गाइस आप लोगों ने अभी वहाँ जो नज़ारा है उसको देख लिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस हम लोग को एक दूर में एक छोटा सा घर दिख रहा है, देखिए घर दिखा है, शायद वहाँ पता नहीं कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो वहाँ हम लोग जाके देखते हैं, कोई होगा तो उसके यहाँ के बारे में पूछेंगे कि क्या हुआ है, कैसे है, सारा चीज़ पूछेंगे गाइस। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे वीडियो में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं उस घर के पास, देखते हैं, क्योंकि ये जंगल में छोटा सा एक घर है, शायद पता नहीं लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, पता नहीं है क्या, सोए हैं हैं है? तो जाके देखते हैं, अब शायद यहाँ पंडित जी रहते हैं या कौन रहते हैं, पता तो चलेगा कम से कम, जाके देखते हैं। यहाँ पे अभी जंगल में छोटा सा घर है जहाँ बाबा जी हैं, लेकिन अभी बाबा जी तप कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करना हम लोग को ठीक नहीं है, वो तप में लीन है, उनसे बात करना उनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो गाइस कुछ देर इंतजार करते हैं हम लोग। ये देखिए जंगल के कि चारों तरफ जंगल है, और जंगल के बीचों बीच में छोटा सा घर भी है, इस घर में बाबा जी अकेले हैं, वो तप में लीन है, तो उनको भी डिस्टर्ब करना ठीक बात नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर बाबा अगर उठते हैं बात करते हैं तो उससे पूछेंगे, सारा जानकारी लेंगे। ठीक है गाइस वीडियो में बने रहिए। हम लोग बाबा जी से अभी मिल लिए, और बाबा जी का कहना है कि शायद कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो बोले कि बेटा मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, मैं नहीं आना चाहते करके। तो वो उनका हम लोग वीडियो नहीं बनाए, और काफ़ी देर तक हम लोग बैठे थे बाबा जी के साथ, बहुत सारी बातें हुआ हम लोग का, अच्छा अच्छा बातें किए हम लोग, और अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, बस शर्तें कि वो बोले कि मैं वीडियो में नहीं आना चाहता, वो वीडियो में नहीं आया। तो हम लोग सोचे चलिए अगर मना कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है, तो हम लोग बाबा जी का वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी देर तक हम लोग सारे लोग बैठे थे, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा लगा उनके बातें सुनकर। तो काफ़ी अच्छा जगह है दोस्तों ये लिखा पखना, इससे पहले शायद ही कोई आया होगा, और जगह देखिए बहुत ही अच्छा है। तो धीरे 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 ये विकसित होगा दोस्तों, क्या है कि लोग यहाँ आना जाना बंद कर दिए, लोग आते ही नहीं हैं, तो फिर कहाँ से ये फेमस होगा। तो लोग आना जाना करते रहे यहाँ पे, जगह अच्छा है, कई हज़ार साल पहले का यहाँ जो किया गया कार्य है भगवान श्री राम के द्वारा लिखा हुआ, जो भी उनके हाथों में जो लिखा हुआ जो है वो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों, और ये शायद ही और कई हज़ार साल तक ये चलेगा, ये मिटने वाला नहीं है। और अभी भी हम लोग यही मंदिर के सामने हैं, और ये देखिए पीछे जो दिख रहा है ये यही पे श्री राम भगवान ने अपना अपने हाथों से जो भी वास्तुकला और जो भी डिजाइन जो भी नाम लिखे हैं बहुत ही अद्भुत दिख रहा है, और आज भी वो जैसा है वो प्योर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों अभी और भी कुछ है क्या, कहाँ पे
तो नहीं किसी और दिन चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा और काफ़ी अद्भुत और काफ़ी सुंदर है दोस्तों। यहाँ आना जाना काफ़ी लोगों का होता ही नहीं है, पहले होता था ऐसा हमारे पंडित जी यहाँ के हैं वो कह रहे हैं, लेकिन अब बंद ही हो गया आना जाना, वो अकेले रहते हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों को जो भी हमको दिखाना था, जो भी यहाँ देखने लायक था, सारा चीज़ हमने आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग वीडियो में पूरा देख सकते हैं, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो अब यहाँ से हम लोग का निकलने का टाइम हो गया, हम लोग अभी सीधे घर निकलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सरगुजा ज़िले में आ चुके हैं। ये सरगुजा ज़िले में आता है, ये हम लोग अपने जशपुर ज़िले को छोड़ के सरगुजा ज़िले में आ गए हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सीधे घर। तो अभी तो काफ़ी दूर हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी हम लोग छोड़ दिए हैं नीचे, बहुत दूर में छोड़ दिए। आप लोगों ने देखा हम लोग कितने दूर तक पैदल आए हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस गाड़ी की तरफ पैदल जाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ी लेके फिर घर जाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो किसी तरह देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को किसी और चीज़ का वीडियो अगर देखना है तो आप लोग उसको भी कॉमेंट में कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सीधे घर चलते हैं। तो एक बार और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।